बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम फ्राई माश की दाल बनाएंगे जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए, मैंने 300 ग्राम दाल थी जो मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर ली थी, और अब हम इसको सिर्फ सादे पानी में गला लेंगे और इतना गलाएंगे कि दाल बिल्कुल फटे नहीं, साबुत रहे बस, लेकिन गल जाए इसको। अब जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसको हाई फ्लेम पे इसको मैं स्लो फ्लेम पे करके और 10 से 12 मिनट के लिए इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे लगा दूंगी ताकि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें, 15 मिनट हो चुके हैं हमारे और दाल बेहतरीन सी गल गई है। अब हम इसको, इसका पानी हम हटा के इसको ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी दाल का पकने का प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप मैं ऑयल ले रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जिसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। 2 टोमेटो हैं जो मीडियम साइज के, मैंने ब्लेंड कर लिए थे, इसको मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। बहुत अच्छे से हम इसको भून लेंगे। बहुत मजे की लगती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड किया है 1 टीस्पून मैंने इसमें। थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए, कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ थोड़ी। 1 टीस्पून इसमें चाट का मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और अब बिल्कुल ऑयल आ गया है टमाटर पे, तो मैं इसमें अब दाल ऐड कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत मज़े की बनती है, थोड़ी सी स्पाइसी बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये। देखें कितना जबरदस्त सा कलर आ रहा है इसका। अब इस स्टेज पे हम 1 टेबल स्पून के तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। बटर से इसका टेस्ट बहुत मजे का होता है और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा इसका। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि बटर इसमें हो जाए। देखिए कितनी जबरदस्ती हमारी दाल बिल्कुल तैयार है ढाबा स्टाइल में। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।